आज सालू की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर अक्सर लो रहता है, इसलिए मैं अपनी बीपी मशीन निकाल लेता हूँ और जिस बात का डर था वही हुआ। सालू का बीपी काफी लो था तो इस हालत में वो घर का कोई भी काम नहीं कर सकती थी, इसलिए आज मैंने ही पोछा उठा लिया। पोछा लगाने के बाद मैं किचन में गया, जहाँ पर पहले तो मैंने बर्तन साफ किए और बाद में मुझे वहाँ पर सूजी दिखाई दी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हलवा ही बना लिया जाए। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी हलवा बनाया और साथ में चाय भी बना ली। तब तक सालू की तबीयत में भी थोड़ा सुधार आ गया था। अब हम दोनों ने मिलकर हलवे और चाय का आनंद लिया। अब जब मैं घर का काम कर ही रहा था तो सोचा क्यों ना कपड़े भी धो लिए जाएं। और वैसे भी कपड़े कौन से हाथ से धोने थे, कपड़े मशीन में डाले और कपड़े 20 मिनट में धुल के तैयार भी हो गए। कपड़े सूखने डालने के बाद मुझे याद आया कि कल हमें एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है, तो क्यों ना जूतों को भी पॉलिश कर लिया जाए। तो फिर क्या था, मैंने फटाफट अपने जूतों को शीशे की तरह चमका दिया। इतने में रात होने को आई थी और मुझे पता चला कि घर का राशन भी खत्म होने को है, तो मैं अकेला ही राशन की दुकान की तरफ चल पड़ा। राशन खरीदने के बाद घर पर आके मैंने सबके लिए अंडा भुर्जी भी बनाई। बाय बाय।